थोड़ी थोड़ी बारिश के बाद झील की चादर चलने लग गई। ऐसे ऐसे में लोगों के चेहरे पर काफी ज्यादा खुशी भी नजर आ रही है। इस झील में साल भर पानी रहता है और यहाँ पर बोटिंग के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। आपको बता दें कि इस साल अलवर में सामान्य से अधिक बारिश हुई है, जिसके चलते झील पूरी तरह से भर चुकी है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इसमें पहले साल 2016 में झील फुल हुई थी और झील में चादर चली थी। उन्होंने बताई कि सिलीसेट झील 28 फुट 9 इंच तक भरता है, जबकि 16 से 18 फीट पानी झील में हमेशा ही रहता है। कई बार 26 फुट पानी झील में पहुंच चुका है, लेकिन 8 साल बाद सिलीसेट झील ओवरफ्लो हुई है। झील के फुल होने से आसपास के गांवों को अलर्ट कर दिया गया है। झील के आसपास क्षेत्र में सिविल डिफेंस और पुलिस के लोगों को तैनात कर दिया गया है। साथ ही ग्रामीणों को पानी से दूर रहने की सलाह भी दी गई है। तो अलवर झील की ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रशासन ने आसपास के गांवों को अलर्ट कर दिया है। हालांकि अलवर में इस साल सामान्य से अधिक बारिश भी हुई है, जिसकी वजह से अलर्ट किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से सुबह मॉर्निंग में काफी लोग आ गए थे। उनको झील के जो चादर चलने वाली, जो आप देख रहे हो ये चलने वाली है, यहाँ से हटाया गया है। लोगों को बताया भी है कि पानी से दूर रहें, और हम आमजन से अपील करते हैं कि जहाँ भी भराव क्षेत्र है वहाँ से दूर रखें, अपने बच्चों को भी दूर रखें, बच्चों का ध्यान रखें। ईश्वर की कृपा से किसी के कैजुअलिटी ना। अपने जो सिलीसेट झील के आसपास के जो बख्तपुरा है, डेलाबास है, इधर अपना किशनपुरा है, ये भराव क्षेत्र का इलाका है। यहाँ से लोगों को नदी के, झील के पास से और नदी के पास से लोगों को दूर किया जा रहा है। प्रशासन की टीमें यहाँ लगी हुई कितनी? सिविल डिफेंस की गाड़ी आई थी, 8-7 जने ये लोग लगे हुए हैं जगह जगह पे, और पुलिस थाना अकबरपुर है, और एसपी, अपने एसपी साहब कार्यालय से भी जाप्ता मिला था, और पुलिस लाइन से भी जाप्ता है, जो अपने उधर नंदलेश्वर और भरतरी बारा, जगह जगह जहां भी अपना, एक जैसा पानी की सभी जगहों जगह। पर डूबने की दिक्कतें बहुत आ रही हैं, लोगों के मरने की। रात में दो घटनाएं हुई, बच्ची मर गई एक घटना में। ऐसे में तैराक या और नाव या किस तरह का कुछ ऐसा भी इंतजाम है प्रशासन की तरफ से? प्रशासन की तरफ से सिविल डिफेंस के टीमों को इसीलिए रखा जाता है, साथ में कोई ऐसी कैजुअलिटी ना हो। फिर भी आम जनता से अपील है कि वो इस संबंध में पूरी ध्यान रखे अपने बच्चों का। प्रशासन तो आपसे सहयोग ही मांग रहा है, आप लोग भी ध्यान रखें और किसी भी प्रकार की कैजुअलिटी नहीं है। है, डिटेलली बताइए। सिल्ली सेड की भराव क्षमता 492 मिलियन क्यूबिक फिट है। लास्ट टाइम ये 2016 में भरी थी, ओवरफ्लो हुई है। उससे पहले 2010 में, 2012 में, 2003 में, 1996 में और 1997 में ओवरफ्लो हुई है। झील के आसपास का जो एरिया है, कैसे अब ओवरफ्लो हो जाएगी, चादर चलेगी, तो क्या व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है? प्रशासन की तरफ से इसकी पाल पे लोगों की एंट्री को रोका गया है, ताकि अनावश्यक की कोई दुर्घटना ना हो। और सुबह से ही SHO और उनकी टीम, खुद SDM साहब भी अभी थोड़ी देर पहले ही आके गए हैं, मैं स्वयं यहाँ मौके पर मौजूद हूँ। नहर की सफाई या पानी के मतलब जो फ्लो है वो अवरोध ना हो रास्ते में, वो उसके लिए क्या चीजें? इसकी चैनल बनी हुई है, और उसमें अभी हमने कुछ समय पहले ही अतिक्रमण हटवाए हैं। ये भी जो नहर है इसमें कहीं भी सफाई नजर नहीं आ रही, पूरी तरह से जाम है, कहीं गांव में पानी जाने की स्थिति नहीं है? नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है। जो अतिक्रमण पक्के थे उनको हमने बाउंड्रीज को हटवा के क्लियर करा दिया। NCR का बड़ा पर्यटन स्थल है ये, चादर चलेगी, पानी आया है, ऐसे में क्या लगता है आगे किस तरह की और संभावनाएं हैं? मिट्टी के कट्टे और क्या इंतजाम यहाँ पर किए गए? मिट्टी के कट्टे और जो भी जरूरी अपने को आवश्यकताएं हैं, वो सारी व्यवस्थाएं की हुई है सिल्ली से डैम पे उपलब्ध। टोटल कितना एरिया है इसका? ये 136.75 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है, जिससे अपने कैचमेंट एरिया, जहाँ से पानी अपने कितने फुट पे ये फुल हो जाती है और हमेशा कितना पानी रहता है? ये 28 फुट 9 इंच पे ओवर फ्लो होती है, और जनरली इसमें पिछले सालों में 26 फुट तक पानी भरा है। 16 फीट का हम इसमें मत्स्य पालन के लिए एक रिजर्व रखते हैं। पानी ग्रामीणों को भी दिया जाता है? हाँ, ग्रामीणों को भी 15 अक्टूबर के बाद हम WUA की मांग के अनुसार 3 या 4 पानी उपलब्ध कराते हैं, तो करीब 75
मिलियन क्यूबिक फीट पानी जो है वो ग्रामीणों को कृषि हेतु उपलब्ध कराया जा रहा है। इस झील में करीब 300 से 500 मगरमच्छ भी हैं, अगर ओवरफ्लो चलता है तो वो भी बाहर आएंगे या क्या मतलब उसकी व्यवस्थाएं हैं? इसकी भी व्यवस्थाएं दिखवाते हैं। तो 8 साल बाद लबालब हुई सिलीसेट झील जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, हालांकि प्रशासन के द्वारा ये बात कह दी गई है कि यहाँ पर जो आसपास रहने वाले लोग हैं वो अपना खास ख्याल रखें और इसके लिए पहले से ही ऐलान कर दिया गया है। आखिरी बार 2016 में इस झील की इतनी रफ्तार देखने को मिली थी। बारिश के चलते सिलीसेट झील जो है पूरी तरह से लबालब हो चुकी है। अलवर से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, 8 साल बाद सिलीसेट झील के सामने आए। हालांकि देखिए ये भी कहा जा रहा है कि इस बार जो है वो सामान्य से अधिक बारिश हुई है जिसकी वजह से खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्रशासन के द्वारा पहले से ही अलर्ट कर दिया गया है कि आसपास रहने वाले लोग अलर्ट मोड पर रहे, किसी भी तरह से यहाँ पर पानी का बहाव और तेज हो सकता है जिससे किसी की जान को खतरा भी होगा। हालांकि आसपास जो है प्रशासनिक तौर पर यह अलर्ट जारी करवा दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि इन स्थितियों को लेकर के प्रशासन की तैयारी और किस प्रकार से होती है ताकि खतरों को दावत देती ये झील जो है इस पर रोक लगाई जा सके और लोगों को सुरक्षित रखा जा सके।